धन्यवाद जानिए उपस्थित आगत मंचे एवं जरा आज के समस्त कार्यकर्ता इसमें तरह सबाई के श्रद्धा धन्यवाद जानिए आज के सभा शेष कर नमस्कार वंदे मातरम भारत माता जय हो যিনি আমাদের রাষ্ট্রপতিকে অসম্মান করেছিলেন রাষ্ট্রপতিকে অসম্মান করেছিলেন আমাদের এসসি সমাজকে অসম্মান করেছেন তাকে এই রামনগরের নেক্সট বারে আমরা বিধায়ক হতে দেব না এই পঞ্চায়েতে আমরা তাকে উখড়ে ফেলে দেব এই শপথ নেব আমার পাশে অনেকে আমাদের মঞ্চে বলার আছে এই জন্য এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ভারত মি ভারত মাতা কি जय हिंद नमस्कार भारत माता की बेपार रामनगर लोके स्वागत करार अनुरोध जाना नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद स्थितिदेव जिंदाबाद स्थितिदेव जिंदाबाद सुकांत दास जिंदाबाद सुकांत दास जिंदाबाद शुभेंद्र दास जिंदाबाद शुभेंद्र दास जिंदाबाद एरपरे स्थिति के मायर मूर्ति दिए स्वागत करार जन्य अनुरोध करछि भारत माता के भारत माता के सभापति उपस्थित हो जिला नेतृत्व के अनुरोध करब फुलेर माला दिए केंद्रीय नेतृत्व राज्य नेतृत्व के बरण करार जन्य जय श्री राम जय मां दुर्गा जेपी नड्डा जी स्वागतम रामनगर पुण्यभूमि जेपी नड्डा जी स्वागतम भारत माता के भारत माता के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भारत माता के बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जेपी नड्डा जी जिंदाबाद स्मृति ईरानी जी जिंदाबाद स्मृति ईरानी जी जिंदाबाद भारत माता के आज के आमादेर काथी लोकसभार जे जनसम्पर्क सभा सेई सभाते भारतवर्षेर नेई शुधु सबथेके बड़ राजनैतिक दलेर सभापति सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी उपस्थित होयेछेन ताके आमरा करताली दिए स्वागत जानाबो माननीय जिला सभापति सुदाम पंडित महाशय के भारत माता की आज के आमादेर सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा जी एसेछेन ताई आमी ज्योतिर्मय दादा के बोललाम आज के गर्जित हब ना गर्वित हब एई जनसम्पर्क जन संकल्प नेवार जन्ने आमादेर सभापति जी एसेछेन आज जेपी नड्डा जी के रामनगर पुण्यभूमि स्वागत जानाई और राम राज्य संकल्प और स्वप्नटा की स्वप्नटा संकल्पटा जानानोर जन्ने जेपी नड्डा जी एसेछेन नड्डा जी बांगला राकेट कर्मीर अक्ति के आपनादेरके जानाते चाई कि बांगलाय आज के आमादेर बीजेपी कर्मी राम नाम बोलते पर क्षमता थकबे ना सुकांत दा बोलते चाहिए जार निजे ने क्षमता और नाम ममता एक्खुनि सुकांत दा बोलछिलेन
कि भाईपोर बाड़ीते एमनी एमनी लोक जे आमादेर एंथमटाओ गान गेते पारे ना आर कत पड़ाशोना होयेछे ओटा आपनी आज के देखते पाच्छेन किन्तु मायेर स्तुतिर करार जन्ने पड़ाशोना चाई ना मायेर स्तुति करार जन्ने मने भावना हुआ उचित आर ओई मने भावना नेई भाईपोर नेई दीदीर नेई एटा बांग्लार एक एकटी मानुष जाने जदि भावना मने थाकतो ताहले बांग्लार महिलाटा धर्षित होतो ना जदि भावना बांग्लार लोकेर जन्ने थाकतो तबे आवास योजनाय लूट होतो ना जदि दीदी सत्यि बांग्लार दीदी होतेन तबे उनी काट मानि नितेन ना তাই আজকে এই রামনগরের পুণ্যভূমিতে আমরা সবাই স্বাগত জানাই জেপি নাড্ডাজিকে। আর জেপি নাড্ডাজিকে আমি বক্তব্য জানানোর জন্য স্বাগত করি, আপনাকে নিবেদন জানাই, বলো ভারত মাতা কি না? ভাই, আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি এসেছেন, আমরা সর্বভারতীয় সভাপতিকে জানাতে চাই যে কাটি লোকসভা ক্ষেত্রের এক একটি কর্মীর খুব গর্বিত হয়েছে, আনন্দিত হয়েছে কি আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি এসেছেন। তাই সবাই হাত উঁচু করে জোরে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ। এবং উত্তরে দিয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতিজি উপস্থিত আছেন। স্মৃতিজি স্বাগতম, স্মৃতি ইরানিজি স্বাগতম, স্মৃতি ইরানিজি স্বাগতম, স্মৃতি ইরানিজি স্বাগতম, স্বাগতম, স্মৃতি ইরানিজি স্বাগতম, 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 বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। মঙ্গল পাণ্ডেজিকে পুষ্পগুচ্ছ উত্তরীয় দিয়ে স্বাগত করছেন আমাদের মাইনরিটি মোর্চার রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক মুক্তারুন্দি দিদি, আমাদের স্মৃতি ইরানিজি, তাকে পুষ্পগুচ্ছ এবং উত্তরীয় দিয়ে স্বাগত করছেন আমাদের উত্তরকাদির বিধায়ক স্মৃতিজি স্বাগতম, আমাদের প্রিয় দিদি স্মৃতিজি স্বাগতম, স্বাগতম, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি স্বাগতম, সবাই হাততালি দিয়ে স্বাগত করুন, শ্রদ্ধার হাততালি দিয়ে স্বাগত করুন আমাদের স্মৃতিজিকে। আমার করে নিচ্ছেন আমাদের জেলা সম্পাদক সত্যজিৎ নন্দ গোস্বামী, পুষ্পগুচ্ছ এবং উত্তরীয় দিয়ে স্বাগতম, 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 যতীন ময়দা স্বাগতম, 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 বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি, জয় ভারত মাতা কি, জয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সভা, আমরা পেয়েছি ভারত সরকারের আজকে আমাদের পশ্চিম নিচ্ছে নাকি? আরে দাদা, অত লুকোচুরির কি দরকার? বাড়ির সামনে বড় করে পোস্টার টাঙান, ম্যাথ অনার্স 30,000, জিওগ্রাফি অনার্স 50,000, কেমিস্ট্রি অনার্স 30,000, আর্টস পাস 20,000, সায়েন্স পাস 25,000। কার্ড বিলি করুন, ভাবা যায় এমন কোন জিনিস নয় যেরা বিক্রি করছেন। আজকে এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভূমি, সেইখানে বিধায়ক আমাদের পটাশপুর উত্তম বারিক, নতুন নাকি একটা সিন্ডিকেট চালাচ্ছে, কিসের সিন্ডিকেট জানেন? উত্তম বারিক দাদা, সিন্ডিকেটটা সামদানে চালান, দুয়ারে সরকারের মতো কোন সময় দুয়ারে সিবিআই, দুয়ারে ইডি চলে আসবে বুঝতে পারবেন না, তখন কেষ্টদার মতো বেলুন ফেটে যাবে, বেলুন চুপসে যাবে। আজকে মুখ্যমন্ত্রী সাগরেতের অবস্থা দেখুন, আমাদের মদন দা চেনেন তো? হ্যাঁ, দিদিমণির খুব কাছের লোক, মদ অন দা, সাতটা বাজলেই অন হয়ে যায় মদন দা, সেই মদন দা এবং তৃণমূলের আদর্শ ব্যক্তি। কারণ কি, যখন পেট্রোলের দাম গোটা দেশে কমলো, আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম, মাননীয় দিদি
पेट्रोल दाम कमान मोदी जी 10 টাকা 12 টাকা করে কমালেন বিভিন্ন রাজ্যে আরো 10 টাকা কমে গেল কোথাও 5 টাকা কমে গেল দিদি পেট্রোল ডিজেলের দামের উপর থেকে সেস কমালেন না কমালেন কোথায় বাংলা মদের উপর থেকে কেন কারণ বাংলার এখন ট্যাগ লাইন চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন বাংলার আদর্শ হচ্ছে ঢুক ঢুক পিও যুগ যুগ জিও মদ খাও দিয়াল লটারি কাটো ভাইপোর কাছে পয়সা দাও ভাইপো উত্তরবঙ্গে গেছে উত্তরবঙ্গে গিয়ে বিএসএফ এর গুলিতে এক চোরা চালানকারী মারা গেছে তার পরিবারের সাথে দেখা করেছে দেখা করে সেখানকার স্থানীয় মানুষকে উস্কাচ্ছে উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য ওই ছেলেটার সাথে সমবেদনা জানানো নয় উদ্দেশ্য এটা যে আমাদের মোদি সরকারের কড়াকড়িতে বর্ডারে গরু পাচার বন্ধ হয়ে গেছে গরুর টাকাটা অ্যাকাউন্টে পৌঁছচ্ছে না লাভটা বাড়িতে পৌঁছচ্ছে না কয়লার টাকা পৌঁছাবে না পাথরের টাকা আবার শুরু হয়েছে আমরা খবর পেয়েছি বীরভূমে বীরভূমে টুলু মণ্ডল পাথর পাচার করছে আর ভাইপোকে টাকা পাঠাচ্ছে সব টাকা আমরা বন্ধ করব সিবিআই আসবে ইডি আসবে যত বড় হও দিদির ভাই চুরি করলে ধরবে তোমায় সিবিআই কেউ বাজাতে পারবে না তাই ভারত মাতা কি জয় শ্রী রাম মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদি নরেন্দ্র মোদি নরেন্দ্র মোদি জেপি নাড্ডা ভারত মাতা কি বন্দে 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 আর দিদিমণি বলেছিল ভেবেছিল ক্ষমতায় আসলে আমাদের মুখ থেকে রাম নাম নিয়ে নেবে সেটা জোরে একবার মমতা দিদিকে জানান দিদি জয় শ্রীরাম দিদি জয় শ্রীরাম আজকে আমাদের চরম সৌভাগ্য যে কাতি সাংগঠনিক জেলা সেই জেলার রামনগরের আরএসএ ময়দানে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জেপি নাড্ডা সাহেব আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বন্ধুগণ শুধু উপস্থিত আছে তা নয় তিনি এই মুহূর্তে মঞ্চে আপনাদের সামনে বসে আছেন গাড়ি থেকে নামার আগে থার্মোমিটারে তার জ্বরটা মেপে নামলেন 103 জ্বর নিয়ে আপনাদের সাথে উনি দেখা করতে এসেছেন জোরে হাত তালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানাই এটা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সভাপতি হলে এটা যে দিদি হতো পালিয়ে চলে যেত বলতো আমার শরীর খারাপ আর দিদির ভাইপো হলে হাসি করলেই পালিয়ে যেত এত দূর আসতো না এটা ভারতীয় জনতা পার্টি বলে তার সর্বভারতীয় সভাপতি এরকম জন নিয়েও কর্মীদের সাথে জনসম্পর্ক কথা বলতে এসছেন জনসম্পর্ক যাত্রা করতে এসছেন জনসম্পর্ক সভা করতে এসছেন উপস্থিত আছেন আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যিনি অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন একদিকে যেমন নারী শিশু অন্যদিকে মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন আমাদের ঘরের দিদি ঘরের মেয়ে বাংলা মায়েরই মেয়ে কারণ মা বাঙালি আমাদের শ্রী দিদি জোরে হাততালি দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতি ইরানিকে স্বাগত জানান উপস্থিত আছেন এই জেলা সভাপতি সহ তার সমস্ত টিমকে জোরে হাততালি দিয়ে সকলে মিলে স্বাগত জানান উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের ইনচার্জ তার নিজের আত্মীয় মারা গেছে সেটা দাড়ি কাটতে পারছেন না তার মধ্যেও তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বিহারের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী মঙ্গল পাণ্ডে মহাশয়ের জন্য জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সংগঠন যিনি পিছনে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাজ করে চান মাননীয় অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয় তাকেও জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাই কিছুদিন আগে আমাদের লোকসভা এবং রাজ্যসভার যে যৌথ অধিবেশন হল সেই যৌথ অধিবেশনে আমি বসেছিলাম এবং ভাষণ শুনছিলাম আমাদের মহামহিম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু একজন আদিবাসী মহিলা যিনি ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছেছেন আর তার ভাষণ যখন শুনছিলাম তখন আপনাদের জেলার কথা মনে পড়ে গেছিল জানেন কেন এই জেলাতে একজন মন্ত্রী আছে তার নাম হচ্ছে অখিল কি বিরি না গিরি অখিল কিরি তার কথাবার্তার কি ছিরি আমাদের
महामहिम राष्ट्रपति स्वाधीनतार 75 बचर पर जे समाज थेके केउ प्रतिनिधित्व पायनी राष्ट्रपतिर पदे माननीय नरेंद्र मोदी आमादेर जेपी नड्डा साहेब पार्टी तरफ थेके सिद्धांत नेन जे एकजन आदिवासी घरेर महिलाके सर्वोच्च स्थाने देवें आर सेई जायगाय तिनि पौंछेछेन निजेर योग्यता। আপনি তো মেদিনীপুরের পবিত্র ভূমির লোক, যে ভূমিতে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল থেকে শুরু করে মাতঙ্গিনী হাজরা থেকে শুরু করে একের পর এক বিপ্লবী তারা জন্মেছেন, দেশমাতৃকার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। আর আপনাদের জেনারেল নলেজ খুব খারাপ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের, কারণ পড়াশুনো করেন না, পড়াশুনো করেন না। সেদিন বুঝতে পারলাম, ভাইবোকে ভাবতাম 12 পাস, এখন দেখছি 8ও পাস করেছে কিনা সন্দেহ। যে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারে না, কি আমাদের এখানে 5-এর বাচ্চারা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারে? তো পারে, 12 পাস জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারছে না। ননটে শোনা, আগে ভালো করে বাড়িতে গিয়ে পিসির কাছ থেকে জাতীয় সঙ্গীতটা শিখে এসো, তারপরে বড় বড় ডায়লগ মারবে। এরা আদরে মানুষ, সোনার চামচ নিয়ে জন্মেছে, বাবার নামটা যারা জিজ্ঞেস করবেন না, এগুলো বলতে পারবো না, এগুলো আমাদের লুচিতে বাঁধে, এগুলো তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারাই বলে দেবে। এখন দেখতে পাচ্ছেন না, আইএসএফের বিধায়ককে অ্যারেস্ট করেছে, পুরপুরা শরীফের হাকিম সাহেবরা তারা বলে দিচ্ছে কার কি বাবার নাম। এক সময় বলতে কাগজ দেখাবো না, এখন ডিএনএ দেখাতে হবে মনে হচ্ছে, কাগজ তো দূর চায়। সেই নেতারা যারা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারে না, তারা বড় বড় কথা বলছে। আর অখিল গিরি, তার তো আবার কি বললাম কি ছিরি। তা দাদা অখিল গিরি কেমন আছেন? শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? ছেলে নাকি ভালোই মাল কামা, কি কামাচ্ছে? তো বলছিলাম মদনদা কি বলছেন, পঞ্চায়েত ভোটে উনি নাকি শিক্ষা বাপ বানাবেন বিরোধীদের, আমাদেরকে শিক্ষা বাপ বানাবেন। দাদা সুইমিং পুলে নিজের প্যান্টটা সামলাতে পারছেন না, নাটি টেনে খুলে দিচ্ছে, তিনি বিজেপিকে শিক্ষা বাপ বানাবেন। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, তাই মারামারির কথা বলি না। তাই মানে এই মনে করে রাখবেন না যে বিজেপি হাতে চুরি পড়ে আছে, প্রয়োজন পড়লে বিজেপিও সেই পথ নিতে পারে, কিন্তু আমরা নিই না, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, আমরা সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আপনাদের উদ্ধার করি। তাই এই চোরেদেরকে আগামী দিনে এখান থেকে সরাতে হবে, এখান থেকে উৎখাত করতে হবে। সেটা সকলে মিলে আসুন, আজকে জেপি নাড্ডাজির সামনে, আমরা আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতির সামনে, আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির সামনে প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই লোকসভা আমরা ওনাদের হাতে তুলে দেব, নরেন্দ্র মোদীর হাতে তুলে দেব। দু হাত মুট করে আমার সাথে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ। স্বাভিমান কো, বঙ্গাল কে গৌরব কো হমকো সমঝনা পড়েগা। কাহা জাতা হ্যায় ওয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে নেশন এন্ড কন্ট্রি থিঙ্কস টুমারো। জো বঙ্গাল আজ সোচতা হ্যায় ওয়া দেশ কল সোচতা হ্যায়। और ये कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इस भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष और विचारों के संस्थापक कोई और नहीं थे, वो बंगाल के माटी के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज देश को, दुनिया को मोदी जी के नेतृत्व में जो हम दिशा दे रहे, मोदी जी जो दिशा दे रहे, उस विचार की नींव बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष आचार्य देव प्रसाद घोष, जो 1956 से लेकर 65 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे इस भारतीय जनसंघ के, इस भारतीय जनता पार्टी के, वह भी बंगाल के सपूत थे, इसलिए बंगाल का विशेष योगदान है।
मित्रों, अभी सुकांतो जी ने आपको ममता जी के कुशासन के बारे में चर्चा की, स्मृति जी ने आपको ममता जी के कथनी और करनी के बारे में चर्चा की, लेकिन मैं यहां आपको कहना चाहता हूं, आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज देश का नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और इस कारण से हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप भी गांव-गांव में लोगों को बताइए, ये कलकत्ता, ये बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर होता था, अंग्रेजों ने हमको 200 साल राज किया, 200 साल। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से हटकर बंगाल को, ब्रिटानिया को पछाड़ के, अंग्रेजों को पछाड़ के 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। यही बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर होता था, और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ब्रिटानिया को भी पछाड़ के हमारा बढ़ चले। भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा जय मां दुर्गा, आप बोलेंगे जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मठ और संवेदनशील प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकांत मजुमदार जी, हमारी भारत सरकार में मंत्री और हमारी बहन, जिनके साथ मुझे लंबे समय मंत्री के रूप में भी और पार्टी के रूप में भी काम करने का मौका मिला, ऐसी हमारी बहन स्मृति रानी जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मैंने युवा काल से काम किया, और यहां के प्रदेश के प्रभारी श्री मंगल पांडे जी, हमारे सांसद और प्रदेश महामंत्री ज्योतिर्मय महतो जी, हमारे संगठन मंत्री अमिताभ चक्रवर्ती जी, श्रीमती सुमिता सिन्हा जी, श्री रविंद्रनाथ जी, अरुण कुमार जी, तापसी मंडल जी और सुदाम पंडित जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे यहां इस पवित्र तपोस्थली और जिसे हम कहते हैं कि शक्तिपीठों का प्रदेश, ऐसे प्रदेश में मुझे आने का सौभाग्य मिला है, और दक्षिणेश्वर से लेके तारापीठ तक सभी शक्तिपीठों से जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के साथ नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सब लोग अभी स्मृति जी को सुन रहे थे, सुकांत दा को सुन रहे थे, आप लोगों को मेरे हिंदी में बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी धैर्य पूर्वक सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान करेंगे। कि आज भारत दवाई बनाने में दुनिया की फार्मेसी बन गया है, और दुनिया को सबसे सस्ती और असरदार दवाई भारत दुनिया को दे रहा है, यह भी हमको समझना चाहिए। आज आप सब लोग बचपन में सुनते होंगे कि जापान कार बनाता था, गाड़ियां बनाता था, और जापान कहते थे टोयोटा बनाता है, डैटसन बनाता है, जापान का मुकाबला कोई नहीं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ऑटोमोबाइल में, गाड़ियां बनाने में भारत
जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर की का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गया। और हमारे आगे अब सिर्फ दो रह गए, चाइना और अमेरिका, और समय आते आते हम आगे बढ़ेंगे, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, आपके पास मोबाइल है, 2014 में ये मोबाइल 92% विदेश में बनता था और चीन में बनता था। और आपको मालूम है कि चीन का मोबाइल कैसे हाथ में फट जाता था, याद है आपको? याद है कि नहीं है? आज भारत 97% मोबाइल भारत बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो भी हमको ध्यान रखना। ये जो एप्पल है, ये एप्पल को ध्यान से देखना, जो नया एप्पल आया है उसमें लिखा है मेड इन इंडिया, ये बदलता भारत है। लेकिन मैं ममता दीदी को दृष्टि कैसे दे दूं, मैं उनको दिशा कैसे दे दूं, इन कांग्रेसी भाइयों को अच्छी बात कैसे समझा दूं जिन्होंने नहीं समझने का तय कर रखा है, जो छोटी राजनीति के कारण विकास के काम को रोकने का प्रयास करते हैं। मैं यहां आपसे चर्चा करना चाहता हूं, आप सब लोग कोरोना के बाद बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं और किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। और आपको मालूम है ना कि भारत अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी भी मास्क लगा के घूमते हैं, और आप बिना मास्क के नजदीक बैठे हैं। ये संभव हुआ है तो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने 140 करोड़ की जनता को 220 करोड़ डबल डोज और बूस्टर डोज लगा करके आपको तैयार किया। 30 दिसंबर को आपको वंदे भारत की ट्रेन बंगाल को दी गई थी, और वो बंगाल को ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए दी गई थी। 30 दिसंबर को 7800 करोड़ रुपए का फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रोजेक्टों के बारे में रखा था। 30 दिसंबर को मल्टीपल स्वीवेज के लिए 2550 करोड़ रुपए की आवंटन किया था, और 30 दिसंबर को न्यू जलपाईगुड़ी के रेलवे स्टेशन को दुनिया का आधुनिकतम रेलवे स्टेशन बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित किए। और उसी तरीके से हमारे चोका तारा ताला इस पर्पल लाइन के लिए मेट्रो में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2475 करोड़ रुपए खर्च किए थे और उसका उद्घाटन किया था। और उसी तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर सैनिटेशन के लिए 100 करोड़ रुपए दिए थे, सीवेज प्लांट के लिए 990 करोड़ रुपए दिए थे। मैं ये आंकड़े रख रहा हूं, मैं मीडिया वालों को कहूंगा मेरे आंकड़ों को चेक कर लेना, कोई 990 करोड़, कोई 2245 करोड़, कोई 3000 करोड़। ये बंगाल की धरती को विकास करने के लिए आज मोदी जी का पूरी की पूरी ताकत लगा। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो हमने 4 करोड़ यहां पर सैंक्शन किए, और जिसमें से नहीं 3,60,00,000 आवास योजना बने सब सारे देश में, और उसमें से 52,50,000 घर यहां बने। लेकिन मुझे दुख है कि ममता अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप से बाज नहीं आती। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्ला आवास योजना बना दिया, और आजकल आवास योजना का ऑडिट हो रहा है। जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के दो दो मंजिले के पक्के मकान हैं, वह प्रधानमंत्री आवास योजना को ले रहे हैं। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी टीएमसी को रहने देना है क्या? ऐसे भ्रष्टाचारी टीएमसी को रहने देना है क्या? आप बताइए, टीएमसी के कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग अपने लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न की चोरी टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये टोलाबाजी, ये चोरी, ये सब काम टीएमसी कर रही है। भारत में यहां 74 लाख इज्जत घर बने हैं, यानी बहने 74 लाख
अपने दैनिक जीवन के लिए खुले में शौच जाती थी, क्या क्या बंगाल था। लेकिन मोदी जी ने उनको इज्जत देने का काम किया और इसीलिए हम कह सकते हैं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, इन सबको, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे दलित भाई, इनको ताकत देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया। लेकिन अगर मैं ममता जी की बात करूं तो ममता जी टीएमसी, टीएमसी मतलब टी फॉर टोलाबाजी, टी फॉर टेरर, एम फॉर माफिया, एम फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और सी फॉर करप्शन एंड कमीशन, यह है टीएमसी। टोलाबाजी, माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग और कमीशन और करप्शन। और मुझे ये बताते हुए दुख भी होता है, ममता जी बंगाल की, जिसे कहते हैं जहां दुर्गा विराज करती है, जहां दुर्गा वास करती है, जहां मां काली वास करती है, वहां एक महिला मुख्यमंत्री, जिनका ये काम होना चाहिए था कि महिला को संरक्षण मिले। लेकिन मैं यहां पत्रकार बंधुओं के सामने बोलना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार देश में चौथे नंबर पर, यहां अत्याचार है। अगर मैं कहूं वेस्ट बंगाल एसिड के अटैक में नंबर वन पर खड़ा है, यह है बंगाल की तस्वीर। अगर मैं बात करूं कि किडनैपिंग में और महिलाओं के किडनैपिंग में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बंगाल तीसरे नंबर पर खड़ा है, और अगर मैं डाउरी डेथ पर कहूं तो देश के पांच राज्यों में बंगाल आता है। बोलो, ऐसी तस्वीर चाहिए क्या? ऐसी तस्वीर बंगाल की रहनी चाहिए क्या? महिलाओं का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मां दुर्गा की शक्तिपीठ की धरती पर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो ममता जी को प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हटाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। मैं यहां ये भी आपको कहना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं एसएससी स्कैम की, बोलिए स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको जानकर खुशी होगी कि आज 100 देशों को वैक्सीन भारत ने दिया, और ज्यादा खुशी ये होगी कि 48 देशों को भारत ने वैक्सीन मुफ्त दिया। यानी अब भारत लेने वाला भारत नहीं है, भारत देने वाला भारत। ये यूक्रेन का युद्ध हुआ, आप बताइए यूक्रेन के युद्ध में किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने अपने बच्चों को लाने की व्यवस्था की? किसी ने की? अमेरिका ने की क्या? जर्मनी ने की क्या? ऑस्ट्रेलिया ने की क्या? न्यूजीलैंड ने की क्या? पाकिस्तान ने की क्या? बांग्लादेश ने की क्या? लेकिन मोदी जी ने एक तरफ एक समय में पुतिन से बात की, एक तरफ में ज़ेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध को रुकवाया और 22,500 बच्चों को सुरक्षित भारत पहुंचाया, और वह अभी उसमें बंगाल के लगभग 300 बच्चे थे। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा मित्रों। इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ चला है। लेकिन मुझे दुख है कि आज जब मैं ममता जी की बात करता हूं तो मोदी जी बंगाल को आगे बढ़ा रहे हैं और ममता जी बंगाल को पीछे धकेल रही है, पीछे धकेल रही है। और मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। आपको जानकर खुशी होगी इस बार के बजट में कलकत्ता के मेट्रो के रेल के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिया है मोदी जी ने इस बार के बजट में। चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट को 15 करोड़ दिया है। सत्यजीत फिल्म इंडस्ट्री को और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को 63 करोड़ दिया है और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को 23 करोड़ दिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वेस्ट बंगाल को बहुत बड़ी सौगात दी थी। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि 30 दिसंबर को उनकी पूज्य माता जी शांत हो गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी को निभाया, माता के अंतिम दर्शन किए, माता का अंतिम संस्कार किया,
लेकिन वह संस्कार करने के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मां भारती की सेवा में एक घंटे बाद फिर से लग गए, ये भी हमको समझ में आया। में स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है आप बताइए, लॉटरी में स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है आप बताइए, मंत्री और मंत्री के नजदीकियों के घर से बहुत बड़ा धन निकला है कि नहीं निकला है, ये धन कहां से आया, कौन है ये लोग, ये भ्रष्टाचार करने वाले, कमीशन करने वाले और करप्शन करने वाले लोग। और इसीलिए मैं यहां आपसे अंत में कुछ बंगला में बोलना चाहूंगा, मुझे ज्यादा बंगला आती नहीं है पर एक टू अभी चेष्टा कर बोल। अरे दीदी आपना नाम तो মমতা, আপনি কবে থেকে নির্মমতা হয়ে গেলেন? কার্টুন পছন্দ হয়নি বলে একজনকে জেল পাঠিয়ে দিলেন, শেষ হবে হিংসার খেলা, শেষ হবে কট কমিশন খেলা, শেষ হবে তোলাবাজির খেলা, শেষ হবে সিন্ডিকেটের খেলা, শেষ হবে টিএমসির খেলা, শেষ হবে দিদি খেলা, শেষ হবে মা মাটি মানুষ এর মিথ্যে সরকার আর নাই দরকার, চাকরি বিক্রি কোটি কোটি লুট করেছে হাওয়াই চটি, গেরুয়া ঝড় আসেছে টেরে ভাগ তৃণমূল বাংলা ছেড়ে। মিত্র দিদি নে কহা থা কি মে ফ্যাক্টরি লগাউঙ্গি 6 মহিনে মে কহা থা কি নি কহা থা, মে কহুঙ্গা দিদি বলয় খোমতায় এসে ছ মাসে শিল্প করবেন, কিন্তু কি হলো দিদি, কোথায় আপনার প্রমিস, দূরবীন দিয়েও বাংলায় শিল্প খুঁজে পাওয়া যায় না, কিছুদিন আগে ই প্রমিস দিয়েছিল কিন্তু দিদি বাংলার মানুষকে দেওয়া প্রমিস রাখতে পারি না, প্রায় বলে এগিয়ে বাংলা, দিদি ঠিক বলে অত্যাচারে এগিয়ে বাংলা, অপশাসনে এগিয়ে বাংলা, খুনের রাজনীতিতে এগিয়ে বাংলা, দুর্নীতিতে এগিয়ে বাংলা, চলুন সবাই মিলকে সংকল্প নি বাংলায় তৃণমূলের অত্যাচার আর নাই, দুর্নীতি আর নাই, হিংসা আর নাই, এবার সুশাসন, এবার বিজেপি। কয়লা চোর, কয়লা পাচার, গরু পাচার, কয়লা পাচার, গরু পাচার, কোষাগার ফাঁকা, খুঁজে দেখো টালির চালে লুকিয়ে জানো তার টাকা। মিত্র ইয়ে ভ্রষ্টাচার কে প্রতিরূপ হ্যায়, টোলাবাজ, ভ্রষ্টাচার, কমিশনবাজি, টেরর, মহিলা কা অপমান, ये सब टीएमसी के कार्यकर्ताओं का रंग है। और इसलिए मैं आपको ये निवेदन करने आया हूं कि आप आगे चलकर बंगाल को মমতা जी और टीएमसी से बचाइए, मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल को आगे बढ़ाने का काम कीजिए और देश के साथ मिलकर बंगाल को भी आगे ले जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय पश्चिम बंगाल। सुदाम पंडित महाशय के धन्यवाद। माता की, मैं बोलूंगा जय मां दुर्गा, आप बोलेंगे जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मठ और संवेदनशील प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकांत मजुमदार जी, हमारी भारत सरकार में मंत्री
और हमारी बहन जिनके साथ मुझे लंबे समय मंत्री के रूप में भी और पार्टी के रूप में भी काम करने का मौका मिला, ऐसी हमारी बहन स्मृति ईरानी जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मैंने युवा काल से काम किया और यहां के प्रदेश के प्रभारी श्री मंगल पांडे जी, हमारे सांसद और प्रदेश महामंत्री ज्योतिर्मय महतो जी, हमारे संगठन मंत्री अमिताभ चक्रवर्ती जी, श्रीमती सुमिता सिन्हा जी, श्री रविन्द्रनाथ जी, अरुण कुमार जी, तापोसी मंडल जी और सुदाम पंडित जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे यहां इस पवित्र तपोस्थली और जिसे हम कहते हैं कि शक्तिपीठों का प्रदेश, ऐसे प्रदेश में मुझे आने का सौभाग्य मिला है और दक्षिणेश्वर से लेकर तारापीठ तक सभी शक्तिपीठों से जो प्रेरणा मिलती है उस प्रेरणा के साथ नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सब लोग अभी स्मृति जी को सुन रहे थे, सुकांत दा को सुन रहे थे, आप लोगों को मेरे हिंदी में बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन फिर भी धैर्य पूर्वक सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान करेंगे। मित्रों, बंगाल के स्वाभिमान को, बंगाल के गौरव को हमको समझ आता है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे नेशन एंड कंट्री थिंक्स टुमारो, जो बंगाल आज सोचता है वो देश कल सोचता है। और ये कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इस भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष और विचारों के संस्थापक कोई और नहीं थे, वो बंगाल के माटी के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज देश को, दुनिया को मोदी जी के नेतृत्व में जो हम दिशा दे रहे, मोदी जी जो दिशा दे रहे, उस विचार की नींव बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष आचार्य देव प्रसाद घोष, जो 1956 से लेकर 65 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे इस भारतीय जनसंघ के, इस भारतीय जनता पार्टी के, वह भी बंगाल के सपूत थे, इसलिए बंगाल का विशेष योगदान है। मित्रों, अभी सुकांतो जी ने आपको ममता जी के कुशासन के बारे में चर्चा की, स्मृति जी ने आपको ममता जी के कथनी और करनी के बारे में चर्चा की, लेकिन मैं यहां आपको कहना चाहता हूं, आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज देश का नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इस कारण से हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप भी गांव गांव में लोगों को बताइए, ये कलकत्ता, ये बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर होता था, अंग्रेजों ने हमको 200 साल राज किया, 200 साल, लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से हटकर बंगाल को, ब्रिटानिया को पछाड़ के, अंग्रेजों को पछाड़ के 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई।
यही बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर होता और यही बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर होता और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ब्रिटानिया को भी पछाड़ के हम आगे बढ़ चले। मुझे खुशी है कि आज भारत दवाई बनाने में दुनिया की फार्मेसी बन गया है और दुनिया को सबसे सस्ती और असरदार दवाई भारत दुनिया को दे रहा है, ये भी हमको समझना। आज आप सब लोग बचपन में सुनते होंगे कि जापान कार बनाता था, गाड़ियां बनाता था और जापान कहते थे टोयोटा बनाता है, डैक्सन बनाता है, जापान का मुकाबला कोई नहीं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ऑटोमोबाइल में गाड़ियां बनाने में भारत जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर की है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनी और हमारे आगे सिर्फ दो रह गए, चाइना और अमेरिका, और समय आते आते हम आगे बढ़ेंगे, ये हमको ध्यान रखना। मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, आपके पास मोबाइल है, 2014 में ये मोबाइल 92% विदेश में बनता था और चीन में बनता था और आपको मालूम है कि चीन का मोबाइल कैसे हाथ में फट जाता था, याद है आपको? याद है कि नहीं है? आज भारत 97% मोबाइल भारत बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो भी हमको ध्यान। ये जो एप्पल है, ये एप्पल को ध्यान से देखना, जो नया एप्पल आया है उसमें लिखा है मेड इन इंडिया, ये बदलता भारत है। लेकिन मैं ममता दीदी को दृष्टि कैसे दे दूं, मैं उनको दिशा कैसे दे दूं, इन कांग्रेसी भाइयों को अच्छी बात कैसे समझा दूं जिन्होंने नहीं समझने का तय कर रखा है, जो छोटी राजनीति के कारण विकास के काम को रोकने का प्रयास करते हैं। मैं यहां आपसे चर्चा करना चाहता हूं, आप सब लोग कोरोना के बाद बड़े नजदीक नजदीक बैठे और किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। और आपको मालूम है ना कि भारत अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी भी मास्क लगा के घूमते हैं और आप बिना मास्क के नजदीक बैठे हैं। ये संभव हुआ है तो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने 140 करोड़ की जनता की, भारत अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी भी मास्क लगा के घूमते हैं और आप बिना मास्क के नजदीक बैठे हैं। ये संभव हुआ है तो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने 140 करोड़ की जनता को 220 करोड़ डबल डोज और बूस्टर डोज लगा करके आपको तैयार किया, सुरक्षा कवच दिया। आपको जानकर खुशी होगी कि आज 100 देशों को वैक्सीन भारत ने दिया और ज्यादा खुशी यह होगी कि 48 देशों को भारत ने वैक्सीन मुफ्त दिया, यानी अब भारत लेने वाला भारत नहीं है, भारत देने वाला भारत। ये यूक्रेन का युद्ध, आप बताइए यूक्रेन के युद्ध में किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने अपने बच्चों को लाने की व्यवस्था की? किसी ने की? अमेरिका ने की क्या? जर्मनी ने की क्या? ऑस्ट्रेलिया ने की क्या? न्यूजीलैंड ने की क्या? पाकिस्तान ने की क्या? बांग्लादेश ने की क्या? लेकिन मोदी जी ने एक तरफ एक समय में पुतिन से बात की, एक तरफ में जेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध को रुकवाया और 22,500 बच्चों को सुरक्षित भारत पहुंचाया और वह भी उसमें बंगाल के लगभग 300 बच्चे, ये भी हमको ध्यान में रखना। मित्रों, इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ चला है। लेकिन मुझे दुख है कि आज जब मैं ममता जी की बात करता हूं तो मोदी जी बंगाल को आगे बढ़ा रहे हैं और ममता जी बंगाल को पीछे धकेल रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं। और मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। आपको जानकर खुशी होगी इस बार के बजट में
कलकत्ता के मेट्रो के रेल के लिए 1000 करोड़ रुपए दिया है मोदी जी ने इस बार के बजट। चित्रंजन कैंसर इंस्टीट्यूट को 15 करोड़ दिया है। सत्यजीत फिल्म इंडस्ट्री को और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को 63 करोड़ दिया और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को 23 करोड़ दिया। आपको जानकर खुशी होगी कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वेस्ट बंगाल को बहुत बड़ी सौगात दी थी, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि 30 दिसंबर को उनकी पूज्य माता जी शांत हो गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी को निभाया, माता के अंतिम दर्शन किए और उसी तरीके से हमारे चोका टाड़ा ताड़ा इस पर्पल लाइन के लिए मेट्रो में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2475 करोड़ रुपए खर्च किए थे और उसका उद्घाटन किया। और उसी तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर सैनिटेशन के लिए 100 करोड़ रुपए दिए थे, सीवेज प्लांट के लिए 990 करोड़ रुपए दिए थे। मैं ये आंकड़े रख रहा हूं, मैं मीडिया वालों को कहूंगा मेरे आंकड़ों को चेक कर लेना, कोई 990 करोड़, कोई 2245 करोड़, कोई 3000 करोड़, ये बंगाल की धरती को विकास करने के लिए आश्वस्त मोदी जी का पूरी की पूरी ताकत है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो हमने 4 करोड़ यहां पर सैंक्शन किए और जिसमें से 3 करोड़ 60 लाख आवास योजना बने सारे देश में और उसमें से 52,50,000 घर यहां बने। लेकिन मुझे दुख है कि ममता अपने राजनीतिक हस्तक्षेप से बाज नहीं आती। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्ला आवास योजना बना दी और आजकल आवास योजना का ऑडिट हो रहा है। जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के 2-2 मंजिले के पक्के मकान हैं, वह प्रधानमंत्री आवास योजना को ले रहे हैं। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी टीएमसी को रहने देना है क्या? ऐसे भ्रष्टाचारी टीएमसी को रहने देना है क्या? आप बताइए, टीएमसी के कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग अपने लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न की चोरी टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे कि नहीं कर रहे? ये टोलाबाजी, ये चोरी, ये सब काम टीएमसी कर रही है, वो अभी हमको ध्यान में। आज स्वच्छ भारत में यहां 74 लाख इज्जत घर बने, यानी बहनें 74 लाख अपने दैनिक जीवन के लिए खुले में शौच जाती थी, क्या क्या बंगाल था, लेकिन मोदी जी ने उनको इज्जत देने का काम किया। और इसीलिए हम कह सकते हैं गांव गरीब वंचित पीड़ित शोषित दलित किसान युवा इन सबको, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे दलित भाई, इनको ताकत देने का काम किया है तो मोदी जी। लेकिन